different forms of the same gene present on the same locus, they are called as alleles. For example, मैंने आपको बताया था eye color. अगर एक locus पे, बेटे जितना ध्यान से ये मत सोचो कि आज मैम के वो आवाज नहीं सुन रही तो हम लगे चढ़े, ठीक है? आपका नुकसान है, थोड़ा टाइम है, so concentrate बिल्कुल इधर. आई कलर, अगर यहाँ पे ब्लैक आई कलर की अलील है और यहाँ पे ब्राउन आई कलर की अलील है, सो है क्या करैक्टर क्या है, दैट इज आई कलर, ठीक है? और फॉर्म्स कौन सी है, एक आई कलर है ब्लैक, एक है ब्राउन, सो दीज आर टू. हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को हमने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को हमने स्मॉल से कर दिया, ठीक है? सो बी and B are the two alleles of the gene controlling eye color. ठीक है, genes आपने हाँ में ना में सिर हिलाना है. तुम्हें alleles का concept समझ में आया क्या है? ठीक है, तो अब देखिए कि अगर लेट अस से अनदर जीन करैक्टर क्या है, करैक्टर इज हाइट. किसी प्लांट की हाइट कह लें, किसी की हाइट कह लें, एक मिनट, बेटे थोड़ा सा डार्क लिख, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ. बैठो 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 बैठो, ठीक है? चलिए, इतना हंसने वाली बात नहीं बचे, एकदम मुंह बंद. बेटे बैठ जा, कोई बात नहीं, लिखे रहने दो. मैं दोबारा से बताती हूँ, जैसे हाइट है ना, हाइट जो है, हाइट इज ए करैक्टर, इट्स जीन इज टी. ठीक है, ध्यान से सुनो, एक हाइट है टॉल. हम अपनी हाइट नहीं कर रहे कि भी इतने भी है, इतने भी, इतने भी है, हम कोई एक प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं कि या तो वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है. ठीक है, टॉलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. बॉयज पीछे ध्यान से, ड्वार्फनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी. प्लांट ए है, ध्यान से मेरी बात सुनो, प्लांट ए है, उसमें ये क्रोमोसोम है, यहां पे जीन पड़ी है, हो सकता है उसमें दोनों एलील्स जो है वो सेम है. ये भी तो हो सकता है कि दोनों एलील्स सेम हो, तो प्लांट इज टॉल. ठीक, उसके बाद एक प्लांट बी है,
भी इतने बेशरम बच्चे हो ना, मतलब इतने बेशरम नहीं, और पता है मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, एंड दे आर स्माइलिंग कि देखो हम कितने बेशरम हैं. नॉट ओनली बॉयज, गर्ल्स ऑल्सो. कैसे बनोगे, क्या बनोगे? कैन नॉट, मे बी आंटी ऐसे रट्टे से क्लियर कर जाओ, बट यू कैन नॉट गेन एनीथिंग इन लाइफ इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड. ऐसे ही हंसते रहोगे बेवकूफों की तरह से, कोई ढंग की बात कर रहे हैं तुम बेवकूफ है, वही बन के रह जाओगे. देन यू विल कम टू चंडीगढ़ कि हम तो एंटी एससी क्लियर है जी, हम चंडीगढ़ में हेलिक्स आकाश एंड फलाने इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कुछ नहीं बनना, ऐसे जाओगे. ठीक है, ओनली डिसिप्लिन. आई एम टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 25 years, और एटलीस्ट 20, नॉट 25 बट 20 years, 95 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था. एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस. हर साल मेडिकल में ढेरों बच्चे मेरे हाथों से क्लियर होते हैं, बट विद स्टूडेंट्स ओनली डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग. बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट होते हैं, बट हु आर नॉट डिसिप्लिन, दे नेवर क्लियर द एग्जाम. वो कहते ले हम करके दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा. रोज की बात है, हर टीचर आके तुम्हें ये कह रही है डिसिप्लिन में रहो, बातें मत करो, सुन लो, पर डेली वही गधे भी सुन जाते हैं, तुम उनसे भी परे हो. ऐसे वर्ड्स मुझे एटलीस्ट टीचर को शोभा नहीं देते तुम्हारे लिए. प्लांट बी है, हमने कहा प्लांट ए, और बिल्कुल अगर तुम बीच में मुझे दिखे बोलते हुए बेटा, मैं बिल्कुल क्लास ऑफ कर दूंगी. ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूटी नहीं बनती है और तुम्हें समझ में नहीं आएगा. ठीक है, देन नो यूज, आई विल स्विच ऑफ योर क्लास. प्लांट ए है जिसमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कैपिटल टी कैपिटल टी. यहां पे दोनों एलील्स फॉर हाइट सेम है, तो प्लांट है टॉल. ठीक है, एक और जगह है, एक और प्लांट है, वहां पे अगेन एट द सेम पोजीशन अनदर एलील. कौन सी एलील है? फर्स्ट रो सेकंड गर्ल, कॉन्सेंट्रेट हियर. स्मॉल टी है. यहां पे भी दोनों एलील्स, और एलील्स मैंने बताई है कि भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम जीन की फॉर्म है. ये क्या होगा? ये ड्वार्फनेस के लिए है, ये प्लांट है ड्वार्फ. तीसरी चीज प्लांट सी है, फिर वही क्रोमोसोम है, वही हाइट के लिए जीन्स है, बट यहां पे एक टी है और एक स्मॉल टी है. तो अब क्या होगा? एक अलग एलील है, दूसरी अलग एलील है, बट दो एलील्स में से एक एक्सप्रेस करती है, दूसरी एक्सप्रेस नहीं कर पाती. व्हेन देयर आर टू डिफरेंट एलील्स, यहां पे तो दोनों एलील सेम है इसलिए सेम इफेक्ट है, यहां पे भी दोनों एलील सेम है इसलिए सेम इफेक्ट है, यहां पे दो एलील्स डिफरेंट है इसलिए यहां पे इफेक्ट क्या होगा? तो यहां पे प्लांट क्या है? यहां पर भी टॉल है, बिकॉज दिस टी एलील इज डोमिनेंट ओवर एलील स्मॉल टी. एक मिनट पहले समझो, ठीक है, फिर पूछना मेरे से, एक बार समझ लो. ठीक है, तो एलील्स जो है, क्या एलील्स है? हम कहते हैं ये ब्लैक शू है सेम,
है ना, ये ब्राउन शू है, ये रेड शू है, ये व्हाइट शू है, आप ही के शूज है, ठीक है। तो जब दोनों ब्लैक शूज है तो कलर क्या है, ब्लैक है, ब्लैक शूज है, ठीक है। तो दोनों एलील्स सेम है, इज इट राइट। एलील क्या है, एक जीन क्या है, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके बॉयज, सेकेंड रो लास्ट में से इधर देख लो। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर करेक्टर। उस जीन की डिफरेंट, हम अभी तक वैसे तो बहुत सारी है बट आपके लेवल तक हम बताएंगे कि हर जीन की एक पॉपुलेशन में दो फॉर्म्स हो सकती है। उन दो फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, उन दो फॉर्म्स को बोलते हैं एलील्स। उन दोनों फॉर्म्स में एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। यहां तक क्लियर है, इज इट क्लियर, ठीक है। टू फॉर्म्स ऑफ जीन में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। जब दोनों एलील्स इकट्ठी आए एक ऑर्गेनिज्म में, देन डोमिनेंट फॉर्म विल एक्सप्रेस इट सेल्फ, रिसेसिव विल नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ। रिसेसिव एलील्स विल एक्सप्रेस इट सेल्फ व्हेन बोथ एलील्स या द टू एलील्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म आर सेम। दोनों रिसेसिव है तभी वो अपना रिसेसिव करेक्टर शो करेगी। अगर रिसेसिव एलील डोमिनेंट एलील के साथ है तो करेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट करेक्टर होगा, ठीक है। पहले लिख लो फिर मेरे से पूछना, ठीक है। एक बार लिख लो, लिख के तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। आपको जीन के बारे में पता चल गया, जीन हमने कल लिखा था, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कंट्रोलिंग अ करेक्टर, इज इट ओके, ठीक है। दूसरी बात, द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज एलील्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज पेयर्ड क्रोमोसोम्स, हैज पेयर्ड क्रोमोसोम्स, देयरफोर देयरफोर ईच जीन, ईच जीन हैज टू एलील्स, हैज टू एलील्स प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आउट ऑफ टू डिफरेंट एलील्स, आउट ऑफ टू डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन, ऑफ द सेम जीन कॉमा वन एलील इज डोमिनेंट एंड द अदर एलील, एंड द अदर एलील इज रिसेसिव, द अदर एलील इज रिसेसिव। तुम बेटे चल के पीछे क्वेश्चन लिख दे अपने, बाकी के बच्चे लिखो, इतनी देर वो क्वेश्चन लिखते हैं, बाकी के आप लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ एन ऑर्गेनिज्म, इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द डोमिनेंट एलील्स, बोथ द डोमिनेंट एलील्स कॉमा इट विल एक्सप्रेस, इट विल एक्सप्रेस द डोमिनेंट करेक्टर। वापस आ जा, मैं अभी समझाती हूं। डोमिनेंट करेक्टर एंड एंड इज कॉल्ड एज,
एंड इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. होमो होमो मतलब सेम एंड इज कॉल्ड एज होमोजाइगस फॉर ए करैक्टर एंड इज कॉल्ड एज होमोजाइगस फॉर ए करैक्टर. नेक्स्ट आ जाइए. बातें नहीं गर्ल्स, कोई बात नहीं, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे सारे, उसको लिख लें दो क्वेश्चन. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट. इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ आजा बेटा आजा 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 मैं अभी समझाती हूँ ये सारी चीजें. इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ रिसेसिव एलील्स, ये जैसे हमने बताया, हैज बोथ रिसेसिव एलील्स, देन द प्लांट विल एक्सप्रेस, देन द प्लांट will express recessive character and is called as homozygous for recessiveness and is called as homozygous for recessive alleles. Next आ जाइए. If an organism has one dominant allele and the other recessive allele. If an organism has one dominant allele and other recessive allele, it will express dominant character. It will express dominant character. And is called as heterozygous dominant. तो अब आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में पता चला है. होमोजाइगस का मतलब है जब एक जीन की दोनों एलील्स सेम है एक ऑर्गेनिज्म में, दैट इज होमोजाइगस. ठीक है, और अगर दो एलील्स ऑफ द सेम जीन दे आर डिफरेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस. ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा या शायद सबको कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स कैसे बने. ठीक है, जब जैसे जैसे करैक्टर, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, तो सबसे पहले जब जीन्स इवॉल्व हुई तो सबसे पहले वो डोमिनेंट थी. ठीक है, इनिशियली जो वाइल्ड एलील्स थी वो डोमिनेंट थी, बट एनवायरमेंट चेंज होता है, कुछ केमिकल्स के कारण, कुछ रेडिएशंस के कारण जीन्स में चेंजेस आते हैं, तो जो नई जीन्स बनती है they are recessive alleles. ठीक है, तो यहां एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लो. ड्यूरिंग एवोल्यूशन द ओरिजिनल जीन और द वाइल्ड जीन, लास्ट में गर्ल्स बेटे ध्यान से,
द ओरिजिनल जीन और द वाइल्ड एलील इज डोमिनेंट, इज डोमिनेंट मतलब वो पूरी एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। पहले एक ही एलील, एक टाइप की ही एलील होती है। लेट अस से जब हाइट के लिए एलील बनी तो सिर्फ टी एलील थी, ये एलील थी ही नहीं, ठीक है। सभी प्लांट्स जो थे वो टॉल ही टॉल थे, ठीक। स्लोली, फुल स्टॉप करके लिखो, स्लोली ड्यूरिंग एवोल्यूशन, सीधे होके बैठो बेटा, सीधे अपनी बैकबोन सीधी करो, हाँ। स्लोली ड्यूरिंग एवोल्यूशन देयर अकर्स चेंजेस, देयर अकर चेंजेस इन द जेनेटिक मटीरियल, विच फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वाइल्ड जीन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वाइल्ड जीन। फुल स्टॉप करके, द न्यू एलील्स फॉर्म्ड, द न्यू एलील्स फॉर्म्ड आर रिसेसिव, आर रिसेसिव बिकॉज बिकॉज दे फॉर्म सम डिफेक्टिव प्रोटीन्स, सम डिफेक्टिव प्रोटीन्स विच कुड नॉट एक्सप्रेस, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, विच कुड नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पीछे बोर्ड पे लिखना बेटा, पहले जो मैं बता रही हूं ना वो लिख ले बच्चे, ठीक है। अब बात ये है कि हम कहते हैं डीएनए, डीएनए सारे करैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डीएनए कैसे, या जीन्स कैसे करैक्टर कंट्रोल कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, हाउ डू जीन्स, हाउ डू जीन्स कंट्रोल द करैक्टर्स, तो आंसर आ जाता है जीन्स कंट्रोल द करैक्टर बाय सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जीन्स कंट्रोल द करैक्टर बाय सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ठीक है। चल ठीक है, अभी बेटे अभी थोड़ा सा समझ ले फिर क्वेश्चंस लिखना। अब क्या है ये देखिए, मैंने आपको जीन के बारे में बताया, मैंने आपको एलील्स के बारे में बताया, मैंने आपको डू यू नाउ अंडरस्टैंड बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस टर्म्स, आर दीज टर्म्स क्लियर। होमोजाइगस का मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म में दोनों एलील्स सेम है देन इट इज होमोजाइगस। सो दिस प्लांट, प्लांट ए यू कैन से इट इज होमोजाइगस फॉर टॉलनेस, इज इट ओके। दिस प्लांट बी, इसमें भी दोनों एलील्स सेम है बट क्या चीज है, इसमें ड्वार्फनेस के लिए एलील्स है, तो हम क्या कहेंगे, दिस प्लांट इज होमोजाइगस फॉर ड्वार्फनेस। बट यहां पे प्लांट सी, एक एलील डोमिनेंट है, एक एलील डिफरेंट ड्वार्फनेस के लिए है। जब दो एलील्स फॉर द सेम करैक्टर दे आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। सो दिस प्लांट, क्योंकि यहां पे डोमिनेंट एलील किसके लिए, टॉलनेस के लिए, बट साथ में किसके लिए एलील है, ड्वार्फनेस के लिए, जो शो नहीं कर रही, एक्सप्रेस नहीं हो रही, तो दिस इज हम क्या कहेंगे, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल। अब ठीक है, क्लियर सभी को, किसी को नहीं पता तो हाथ खड़ा करो। चलिए नो,
अब ये सब चीजें हमें किसने बताई? ये सब चीजें हमने बताई, अभी मैं सेकंड क्वेश्चन भी बताऊंगी, अभी रुक जाओ। ये सब चीजें हमें बताई मेंडल ने, राइट। सो नेक्स्ट आ जाइए, मेंडल्स इनहेरिटेंस, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटे जो लास्ट में दो लड़के बैठे हैं, है ना, जो दरवाजे की तरफ है, दोनों लड़के यहाँ पे गर्ल्स वाली रो में सबसे फ्रंट रो में आ जाओ, जो दरवाजे की तरफ जो दोनों बॉयज है उधर उधर, और आपके वो जो, हाँ लास्ट रो में है कि सेकंड लास्ट में है, जो दरवाजे की तरफ बैठे है, हाँ ये दोनों बॉयज इधर आ जाओ, गर्ल्स वाली रो में आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सबसे आगे, और जिस लड़के ने क्वेश्चन पूछा है वो भी आगे आ जाए। हाँ इसकी गर्दन पीछे ही रहती है, आ जा। इधर नहीं, इधर नहीं, यहां पे लड़कियां बैठी है, लड़कियां इधर बैठी है दूसरी साइड, इस रो में आओ, आगे देखो बेंचेस खाली है। हाय रब्बा समझ नहीं आंदी, इथे आ जाओ, हाँ इथे तीनों, पंजाबी बोली है तो समझ आई है, मतलब नाउ आई हैव टू टीच इन पंजाबी नाउ, है ना, या छिड़का देनी है तो पंजाबी च दो तो तुम पता चलना है। Now Mendelian inheritance, Mendel, he is known as father of genetics, he worked on गार्डन पी प्लांट, जो मटर हम खाते हैं उस पे उसने काम किया था, क्या नाम है इसका, पाइसम सिटाइवम, इसका बोटेनिकल नेम है गर्ल्स पाइसम सिटाइवम, इट्स नेम इज पाइसम सिटाइवम, ही सिलेक्टेड सेवन करेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में मिले, कौन से उसने करेक्टर्स स्टडी किए, सबसे पहले था प्लांट हाइट, प्लांट हाइट क्यों, क्योंकि उसे कुछ प्लांट्स कौन से मिले, कुछ टॉल मिले और कुछ ड्वार्फ मिले, उसके बाद सेकंड आ जाता है बेटा टाइप ऑफ सीड्स, टाइप ऑफ सीड्स स्मूथ या फिर रिंकल्ड, स्मूथ और रिंकल्ड, तीसरे मिले, नेक्स्ट इज कलर ऑफ
seed coat. Color of seed coat, it can be green or yellow. Fourth आ जाइए, खुद लिखिए, मैं लिखवाती हूँ. Fourth is color of flowers. Fourth character है color of flowers. कौन से colors थे? It is white. यहाँ पे लिख लेना white और violet. White color of the flowers. दो टाइप के फ्लावर्स है पी प्लांट में, या तो व्हाइट फ्लावर्स है या फिर वायलेट फ्लावर्स है. फिफ्थ करेक्टर आ जाइए, दैट इज कलर ऑफ पॉड. पूरे यहां पे तो हमने किया था सीड कोट, मटर के दानों का कलर. नेक्स्ट आ जाइए कलर ऑफ पॉड, जो पूरा मटर होता है, पूरी पॉड होती है. कलर ऑफ द पॉड, इट इज ग्रीन और येलो. ये भी वही है, ग्रीन. फिफ्थ करेक्टर उसने क्या लिया? कलर ऑफ पॉड. ग्रीन और येलो. नेक्स्ट आ जाइए शेप ऑफ द पॉड. सिक्स्थ करेक्टर उसने लिया शेप ऑफ द पॉड. It is constructed or inflated. Constructed होती है जो थोड़ी सी दबी हुई होती है, inflated means swollen है. दो टाइप के हैं, constructed और inflated. और seventh है पोजीशन ऑफ फ्लावर. पोजीशन ऑफ फ्लावर, इट कैन बी एक्सियल और टर्मिनल. इट कैन बी एक्सियल और टर्मिनल. एक्सियल का मतलब है ये लीफ है, यहां पे फ्लावर है. एक्सियल में ये फ्लावर है, दिस इज फ्लावर. एंड टर्मिनल में क्या है? टिप पे फ्लावर है. ये लीफ है, यहां फ्लावर है. इसकी अगर ब्रांचेस है तो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है. दिस इज टर्मिनल फ्लावर्स. ठीक है, एक्सियल मींस साइड में और टर्मिनल मींस टिप पे. तो उसने सेवन करैक्टर्स ये स्टडी किए. ठीक है, पहला हमने कहा था प्लांट हाइट, दूसरा हमने कहा टाइप ऑफ सीड्स, तीसरा हमने कहा कलर ऑफ सीड कोट, चौथा हमने कहा था दैट इज कलर ऑफ फ्लावर, फिफ्थ इज कलर ऑफ पॉड, सिक्स्थ इज शेप ऑफ पॉड, सेवन है पोजीशन ऑफ फ्लावर्स. ही टुक सेवन करैक्टर्स, ही स्टडीड सेवन करैक्टर्स ऑफ द पी प्लांट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लीजिए. व्हाई मेंडल वॉज सक्सेसफुल. व्हाई क्वेश्चन है, व्हाई मेंडल वॉज सक्सेसफुल in giving laws of genetics. अभी हम बताएंगे laws of genetics क्या थे. In giving laws of genetics. ठीक है, first point है he was a mathematician and biologist.
एक्सक्यूज मी, ही वॉज ए मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट, देयरफोर ही एनालाइज्ड हिज डाटा, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए उसका जो डाटा मिला, ही एनालाइज्ड हिज डाटा मैथमेटिकली और स्टेटिस्टिकली, ही एनालाइज्ड हिज डाटा स्टेटिस्टिकली. सेकेंड पॉइंट है, हो गया गर्ल्स का लेना देना, गर्दन तो हिला दो जो ले रहे थे और दे रहे थे. चाबी याद अच्छी आनी है, पिछले स्टूडियो में है. सेकंड है, ही स्टडीड वन करैक्टर एट वन टाइम. He studied one character. ये नहीं कि उसने सातों के सात characters एक साथ study की, ऐसा नहीं. उसने अगर plant height study कर रहा था तो सिर्फ plant height study की. He studied one character at one time. तीसरी चीज, He worked on the pea plant. Which were easy to be grown, easy to be maintained, and he obtained many seeds. He obtained many seeds in single crop to be studied. ठीक है, तो अब हम पहले करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. ध्यान से देखो अब यहाँ पे मेंडल ने कैसे किया, और साथ ही आपको पता चल जाएगा जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा करैक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है. यहाँ पे अभी पता चलेगा. तो उसने क्या किया, ही स्टडीड प्लांट हाइट. पहले हम लेते हैं प्लांट हाइट. फर्स्ट उसने क्या किया, He selected tall and dwarf pea plants. Second, उसने क्या किया? He crossed cross pollination मैंने आपको रिप्रोडक्शन में करवाया था. तो ही क्रॉस्ड टॉल प्लांट्स विद ड्वार्फ प्लांट्स. एंड ही ऑब्टेन ओनली ही ऑब्टेन्ड ओनली टॉल प्लांट्स.
in, this is called as F1 generation. Or you can say इसकी full form उसने use की थी first filial generation. F1 generation बेटे जो जिसने ये first ये पीछे question लिखे थे वो खड़ा हो जाए बस. बस खड़े होके काम करना है. अब आपने 2 घंटे आगे केमिस्ट्री का भी लगना है ना बच्चे, तो खड़े रहना है. और गर्ल्स, आप में से कौन सी गर्ल्स है जो बिल्कुल नहीं क्लास में बात करती, जरा खुद ही हाथ खड़ा करो. जो जब क्लास में हम पढ़ा रहे हैं ईमानदारी से मुझे बताना कि जो बिल्कुल बात नहीं करती, सिर्फ कंसंट्रेट करती है पढ़ाई पे, जो मैं बोल रही हूं उस पे कंसंट्रेट. रेज योर हैंड्स इफ देयर इज एनी गर्ल. कोई भी ऐसे, तुम्हें किसी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है? मैं तो ये कह रही थी भी जो ऐसी है वो अगर ये दोबारा बात करता है तो इसको पकड़ के बाहर निकालना है. बट तो तुम तो खुद भी ऐसे ही हो. और ये देखो ये दोनों जुड़ के कैसे बैठे हुए हैं, इनको दिख नहीं रहा है? नहीं मुझे तो सुन नहीं रहा है. दिख तो मुझे रहा है बट क्यों इतना जुड़ के बैठे हो, अलग अलग क्यों नहीं बैठते? बस 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 यही बैठना है, यही बैठना है, बैठना तो यही है. बट चल पीछे चल. आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जा अभी तो बैठ जा. सब बताएंगे अब इसको भी, तू ये लिख. So in first filial generation, they are not able to see. इनके आगे बैठने से तुम देख नहीं पा रहे? चलो तुम चलो बस अब तो देख ही लेंगे. फर्स्ट फिलियल जनरेशन में देर आर, बेटा अब जो है ना, अब जब तक मैं पढ़ाऊंगी या केमिस्ट्री वाली मैम पढ़ाएंगी, और ये मैम तो मैं बता रही हूं कि आगे चल के ये चीजें नहीं करवानी है टीचर्स ने तुम्हारी, ठीक है? अब नहीं हम कहेंगे भी बातें करो या ना करो, तुम शोर मचाओ, तुम्हारा डायरेक्टर आ जाए, कोई आ जाए, ठीक है ना? तुम जितना मर्जी शोर मचा, हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो सुन नहीं रहा फिलहाल, ठीक है? नो इट्स योर विश. इसने फर्स्ट आना है जो ये खड़ा हुआ है ना एनटीएससी में, ही विल बी द फर्स्ट फ्रॉम बॉटम और टॉप, ये मैं नहीं कह सकती, ठीक? तो नो इट्स योर विश, है ना? अब नहीं हम बात करेंगे, अब हमारा अपने से कंसर्न है. दैट्स योर विश, तुम बोलो, जोर से बोलो, चीखे मारो, है ना? वट एवर इज योर. फर्स्ट फिलियल जेनरेशन में टॉल प्लांट्स को जब हमने ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया, तो हमें F1 जेनरेशन में टॉल प्लांट्स मिले. तो इससे कंक्लूजन लिख लो. इसी तरह एक और मेरी बात सुनो, लिसन हियर. ये उसने एक किया, उसके बाद उसने क्या लिया, उसने प्लांट्स विद एक्सियल फ्लावर्स लिए और उसको क्रॉस पॉलिनेट किया प्लांट्स विद टर्मिनल फ्लावर्स. ठीक है, तो उन्हें क्या मिला? हियर ऑल प्लांट्स
ऑल प्लांट्स फॉर्म्ड, कैसे बने बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन की, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो सीड्स मिले जब उनको ग्रो किया तब हमने देखा ऑल प्लांट्स फॉर्म्ड हैड एक्सियल फ्लावर्स। इसी तरह सभी करैक्टर्स के साथ उसने करके देखा तो जो F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले दे शोड ओनली वन करैक्टर। ठीक है, तो कंक्लूजन लिख लीजिए। When Mendel crossed two different plants with different forms of the character, crossed का मतलब cross pollination, two different plants with different forms of the character, comma the plants obtained in F1 generation, plants obtained in F1 generation expressed only one character always. From this he concluded that each character is controlled by two factors, ब्रैकेट में कर लो एलील्स, उस टाइम उसको एलील्स के बारे में पता नहीं था, टू फैक्टर्स ब्रैकेट में कर लीजिए एलील्स, आउट ऑफ विच वन फैक्टर इज डोमिनेंट एंड द अदर फैक्टर इज रिसेसिव। One factor is dominant and the other factor is recessive. Full stop करके, when both the factors are present together, comma Only dominant factor expresses itself. तो हम इसको, इसी चीज को हम थोड़ी एलील्स की फॉर्म में लिखते हैं। उसने कहा टॉल एंड ड्वार्फ, ही क्रॉस्ड this one into this one। ठीक है, अब ये वाला प्लांट है, ये है टॉल प्लांट, इसने क्या की मियोसिस की, और क्या बने गैमीट्स बने। मियोसिस के बाद, ये हमने थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में किया था, मियोसिस के बाद गैमीट्स बने और गैमीट में एक ही क्रोमोसोम आता है, हैप्लोइड है। ठीक है, तो इसलिए एक टी, यहां पे भी गैमीट बने, यहां पे हो गया स्मॉल टी, और जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज हुए फर्टिलाइजेशन, देन इट फॉर्म्स कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इट फॉर्म्स कैपिटल टी स्मॉल टी। बैठ जाओ आप बेटा, बैठ जाओ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, दिस इज टॉल,
F1 generation. ठीक है, ये उसने किया, ये हमने वर्ड्स में लिख दिया, ये जीन्स या फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया. इज इट ओके? उसने कहा कि हर करैक्टर के दो फैक्टर्स है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी. जब दोनों फैक्टर्स इकट्ठे आते हैं, ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. उसके बाद देन एक्सपेरिमेंट टू, सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट्स. ये जो प्लांट मिले हैं, ये जो टॉल प्लांट्स मिले हैं, इनकी सेल्फिंग करेंगे. ठीक है, सेल्फिंग मींस उसी के पोलन और उसी के ओव्यूल्स. और आपको पता है जब मियोसिस होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. हर गैमीट में एक कैपिटल टी गया, एक स्मॉल टी गया. ऐसे ही यहां पर भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये गैमीट्स ऐसे बन गए. अब हो सकता है जब गैमीट्स की फ्यूजन है, लेट अस से ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल है, हमेशा मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा, मेल गैमीट मेल के साथ फ्यूज नहीं हो सकता. तो हो सकता है कि ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज हो, पर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दिस इज बाय चांस, हमें दिख तो कुछ भी नहीं रहा. हो सकता है ये इसके साथ फ्यूज हो. ठीक है, अब ये जो है, दिस इज टॉल, this is tall, this is tall, but this is dwarf. और ये कौन सी जेनरेशन आ गई? ये आ गई F2 जेनरेशन. दिस इज F2 जेनरेशन. तो क्या है? 3 टॉल इज टू 1 dwarf. रेशो आ गई, F2 में 4 तरह के प्लांट्स मिले और रेशो क्या आई? 3 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ. बना लिया बेटा ये आपने? गर्दन तो हिला दो, यस कि नो? ठीक है, तो कंक्लूजन लिखो. Conclusion of या conclusion from F2 generation. In the F2 generation, in the write down, in the F2 generation, he obtained 3 tall is to 1 dwarf plant. 3 tall and 1 dwarf plant.
he concluded that dwarf character, recessive character does not disappear in the F1 generation. He concluded that recessive character does not disappear in the F2 generation. It only gets suppressed. And in F2 ratio या F2 generation and in F2 generation when the recessive character comes in homozygous form, comma, it expresses itself. This is possible only if the two factors controlling a character gets separated from each other during gamete formation. उसे नहीं पता था meiosis के बारे में, उसे कुछ नहीं पता था chromosomes के बारे में, ठीक है? But he was intelligent enough कि उसने ये laws बनाए. This is called as law of segregation. This is called as law of segregation. SEGREGATION. ठीक है, क्या segregate हो रहा है? दो alleles. एक दूसरे, segregate means अलग होना. अलग हो रही है किस टाइम? जब गैमेट्स बन रहे हैं. इज इट ओके? ठीक है, तो आपके लेवल पे क्या है? वैसे मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, बट आपके लेवल तक 2 लॉज है. कौन से 2 लॉज है? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ डोमिनेंस ने कहा कि एक कैरेक्टर को 2 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव. अगर दोनों इकट्ठे आ जाए, then only the dominant factor expresses itself. दूसरी इसने law of segregation कि F2 generation में recessive character भी appear हो रहा है. ये तभी हो सकता है अगर ये दोनों factors during gamete formation अलग-अलग हो जाए. Is it okay? Yes or no? हाँ या ना में से हिलो. ठीक है boys? हाँ कि ना? इतनी एनर्जी नहीं लगती? समझ में आ गई है. ठीक है, अब जिसने क्वेश्चन लिखे थे, क्या आपको कुछ पता चला है? कुछ समझ में आया? पीछे क्वेश्चन छोड़ दे, जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन लिख लो. Write down few questions. पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तुम्हें, फिर वहाँ जाके तुम आंसर बताओगे. ठीक है? क्वेश्चन लिखिए. On which chromosomes, comma, the two alleles of the genes are present. सेकंड क्वेश्चन लिखिए.
The genes expresses itself. The genes expresses itself by synthesizing dash. Next आ जाइए. What percentage of genes? What percentage of genes, comma, a child receives from his father? A child receives from his father. ठीक है, ये डैश आपने बताना है 10%, 50%, 25% क्या मिलती है. नेक्स्ट आ जाइए. Which among asexual and sexual reproduction? Which among asexual and sexual reproduction, comma, produces variations? Produces variations. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. एन ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सिमिलर एलील्स ऑफ द जीन, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सिमिलर एलील्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एज डैश, आर called as dash. ठीक है जी, चलो girls में पिछली row खड़ी हो जाए बेटा. पिछली row में से first girl, first question, answer लिखो बेटा board पे जल्दी से. बिल्कुल ठीक है, एलील्स ऑफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गर्ल पीछे वाली रो में से. हाँ जी, यस, द जीन्स, बिल्कुल ठीक है. आप पीछे मत देखो, मैं बता रही हूं. द जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स. ठीक है, हाँ जी, पीछे से बॉयज, लास्ट रूम में से बॉयज बेटा. हाँ, खड़े हो जा, खड़े हो जा तीनों, एक एक का आंसर दो. हाँ, आंसर थर्ड क्वेश्चन, आंसर लिख दे बोर्ड पे. इट इज 50%, बिल्कुल ठीक है. अ चाइल्ड रिसीव्स 50% ऑफ द जीन्स फ्रॉम द मदर एंड 50% फ्रॉम द फादर. हाँ जी, नेक्स्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है. वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. होमोजाइगस, बिल्कुल ठीक है. दैट इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द एलील्स सिमिलर, इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. हां जी, कोई और क्वेश्चन भी है बेटा? यही थे? है कोई कि नहीं? नहीं, ठीक है. अच्छा जी, चलिए, दिस इज फॉर टुडे अबाउट बायोलॉजी. नेक्स्ट आपकी केमिस्ट्री मैम आ गई है, ठीक है. अब मुझे एक चीज बताओ, एनीबॉडी यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस, कोई पिछले लेक्चर में से कोई डाउट्स थे केमिस्ट्री के, हाथ खड़ा करो पहले. किसी को पिछले केमिस्ट्री के लेक्चर में से कोई डाउट थे? चलो कोई बात नहीं, मैम आ रही है, ठीक है. बट बेटा मैं फिर कह रही हूं, क्योंकि दो ही. हां जी बेटा, पीछे बोर्ड पे चले जा, बोर्ड पे चले जा.
से जल्दी से जल्दी से छोड़ दे इसको। हाँ क्विक चौक दो भाई इसको, कहाँ है चौक? हाँ जल्दी से इन्हें प्लांट। रेड कलर ऑफ द फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, ठीक है अगला बताओ। हाँ ए क्रॉस वॉज मेड, हाँ हाँ समझ गई समझ गई, बिटवीन द प्लांट्स विद रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। फिफ्टी परसेंट व्हाइट फ्लावर्स एंड 50% रेड फ्लावर्स, क्रॉस बताना है ठीक है। अब यहां पे देखो इधर देख ले बस ध्यान से इधर देख, मुझे समझ आ गया क्वेश्चन, क्रॉस ही बताना है उसने कहा है। अब आपने बेटा ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये चॉइसेस देख के करने हैं। डोमिनेंट जो है ध्यान से देखो, रेड कलर डोमिनेंट है और इसके साथ रिसेसिव है व्हाइट, तो जो व्हाइट फ्लावर्स होंगे, पहले ध्यान से व्हाइट जो फ्लावर्स होंगे वो तो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे हमेशा ही, ठीक है ना। तो अगर मेरी बात सुनो, अगर ये होमोजाइगस रेड है, अगर होमोजाइगस, मुझे पता चल गया बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप यही तुम देखना दो मिनट में। अगर होमोजाइगस रेड है तो ये क्रॉस क्या बनेगा, आर एंड आर, तो ये रेड फ्लावर्स बनेंगे, तो हमारे पास इसका मतलब ये वाली चीज तो नहीं है। अब दूसरे केस है कि अगर हेटरोजाइगस रेड ले लो, ये भी तो रेड ही है, व्हाइट तो हमेशा ही होमोजाइगस बनेगा, ठीक है। अब यहां पे एक आर वाला गैमीट बना और एक ये बना, और यहां पे तो सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बना, ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, राइट। जब इसको क्रॉस किया इसके साथ तो हमारे पास ये आया, इसको क्रॉस किया इसके साथ तो हमारे पास ये आया, रेशो क्या आ गई, वन रेड इज टू वन। तो आई होप क्रॉस पूछा गया था कि भाई जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट्स, जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट्स ये थे, ठीक है। कहां गए ये बच्चे, किधर गए? यस दिस इज हेट्रोजाइगस, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, मीन्स जो डोमिनेंट पेरेंट है इट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड दिस इज वन एंड द सेम थिंग। हेट्रोजाइगस हाउ बेटा, हाउ का कोई मतलब नहीं है, वो कैसे क्रॉस किया, जैसे हमने पहले हमने जो रेड फ्लावर्स लिए वो बाय चांस हेटरोजाइगस थे, ठीक है ना। वो तो पूछ रहा है कि अगर हमें ये मिले तो पेरेंट्स क्या होंगे, होमोजाइगस रेड तो हो नहीं सकता तो हेटरोजाइगस होगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये गर्ल्स कहां गई है पता नहीं, हाँ जी गर्ल्स कहां गई है बेटा, ये दो तीन उठ के, टू ड्रिंक वाटर और
डोंट नो. लड़कियों को भी नहीं बता के गई. चलो कोई बात नहीं, आ जाती हैं. टाइमिंग्स अभी हमारी 12 बजे तक क्लास है केमिस्ट्री की, ठीक है? आ जाओ. नहीं बेटा, हमें ये कहा गया था कि 11 बजे तक केमिस्ट्री ले लेना, एक घंटा और है. 12 बजे तक आप फ्री हो. यू आर विद अस अप टू 12. बेटा हम कोऑर्डिनेटर से बात कर लेंगे आपके, ठीक है? वी विल टॉक टू योर कोऑर्डिनेटर. हाँ लगा था नहीं. चल कोई बात नहीं, बस 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 बस, ठीक. चलो छोड़ दो. और अब केमिस्ट्री वाली मैम का ध्यान से करना है और लास्ट में क्वेश्चंस पूछने हैं अगर है, ठीक है? एंड इट इज अप टू यू कितना आप करना चाहते हो. ये अब हमारी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो. अब बाद में लिखना. Thank you.